the day I was doing the one lady and my own the next time I was doing the same. I'm going to die here and I'm going to die in the body. The world and the world. The world is the same. Yeah.
एक अपराध है ना तो एक अपराध है। सऊदी अदवार से नमाज निकल जाती है उनके पास या टी है या टी एच है वो भी बात लाद जे जाल जो है ये हमारे पास अलग में चार है। अंग्रेजों के पास देखो तो जड़ है एक आ जाता है। तो अब अगर कुरान पढ़ेंगे तो ये चार रूप कहाँ से लाएंगे? अब वो शांति ही करने के लिए वो डी लिखते हैं नीचे नुकता देते हैं तो कहते हैं ये बाद है। इसी वजह से बस दुहा पढ़ते हैं तो बस दुहा पढ़ लेते हैं। वो उनके पास नहीं है तो वो पढ़ते हैं पर मिसर और उनके पास तो है पर वो अंग्रेज बनकर कुरान पढ़ते हैं वो दुहा नहीं पढ़ते पर दुहा भी तू तो हमारे पास तो है ना भी तू तो मालदार हो वो भिखारी है तो तुमने इधर उधर से मदद ले ली तू मालदार हो तो तुम क्यों ऐसा पढ़ते हो? तो वो भी पढ़ते हैं वरन दौली अभी दुआ कहाँ से आया है समझ में नहीं आता। उन्हें लोग पढ़ने लगे और इसी तरह से अंदाज से पढ़ते हैं वो पढ़ने लगे। ये मैं कह रहा हूँ अल्फाज की अदाई के अतबार से। अल्फाज की अदाई में जब हम भिखारी हैं तो मानी में हमारी आदत हो सकती है मानी में क्या कर सकते हैं हम मानी में भी वो मुफस्सिरीन ने जो लिखा है तो उनकी तफसीर उसको पढ़ने लगे। अब तफसीर करने वालों ने ये लिख दिया कि जो जिसने मेरी इत्तेबा की तो उससे मुराद जो शख्स रसूल की इत्तेबा करता है वो सब के सब अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं। मगर इन नासमझियों को कौन समझाए कि अल्लाह ये फरमा रहा है कुल। सबसे बड़ी बात तो यह है अल्लाह रसूल से फरमा रहा है कुल तुम कह दो और कुल अल्लाह ने ऐसे ही मुकाम पर फरमाया है जहाँ बहुत ही अहमियत के साथ बात करनी मौजूद होती है तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने कुल कहा है। और कभी ऐसा हुआ है लोग सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया कुल आप उनको ये जवाब दे दो उसका तुम्हारे सवाल का ये जवाब है। अब यहाँ अल्लाह कहता है खाली ये नहीं बोलो कि जो मेरे इत्तेबा करेगा अरे खाली अरबाब आ जाते तो हम भी मान लेते हालांकि उसमें भी हमारा रिजर्वेशन है फिर भी मान भी लेते हैं चलो थोड़ी देर के लिए। पर यहाँ जो बुनियादी हकीकत बयान की जा रही है वो ये है कुल हाजिरी सबीरी ये मेरा रास्ता है ये मेरा रास्ता है। अदरू इल्लाह मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ अला वसीलती वसीलत की तरफ। अदरू इल्लाह से मालूम हो रहा है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को दाई इल्लाह कहते हैं कहते हैं। आप भी दावत देते हैं आप दाई अल्लाह लिखते हैं खाने की दावत आप देते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं दाई यानी मैं खाने की दावत तफरीक की दावत दे रहा हूँ। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है आप कहो ये मेरा रास्ता है ये मेरा रास्ता है अदउ इल्लाह बड़ी शान की बात है ये मेरा रास्ता है और मैं बुला रहा हूँ किसकी तरफ अल्लाह की तरफ। चाहिए तो ये था कि ये कहते ये मेरा रास्ता है मैं तुमको बुला रहा हूँ अपनी तरफ क्योंकि जब रास्ता मेरा हुआ तो लोगों को किधर बढ़ना चाहिए मेरा नहीं अल्लाह कहता है ये मेरा
जिनको अल्लाह ने उसकी तरफ दावत देने के लिए मकबूल फरमाया है वही दावत देने के हकदार है, वही दावत देने के हकदार है। आप हम जो बुलाते हैं तो दावत देना दीन होती है, दावत देना दीन अल्लाह होती है, अल्लाह के दीन की तरफ हम दावत दे सकते हैं। पर रसूल अल्लाह सुन दावत दे रहे थे वो दावत अल्लाह, तो कहते हैं कि अल्लाह है ये बात मान के करो हर शख्स दावत दे सकता है, अल्लाह की तरफ बुलाने की दावत दे सकता है, हालांकि कोई भी अल्लाह की तरफ दावत नहीं देता। जितने बड़े उलमा सुबाइजी दावत देते हैं, क्या कहते हैं वो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, तक़वा इख्तियार करो, ये सब क्या है, ये अल्लाह की दावत है, अल्लाह की तरफ दावत है नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन की तरफ दावत है। पर रसूल का फरमान है मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, रास्ता तो है ये, मतलब ये है नमाज के पढ़ने वालों, ऐ रोजे के रखने वालों, ये जो मेरे रास्ते पर आए हो, अब मैं ये चाहता हूँ कि तुमको अल्लाह की तरफ बुलाऊँ, दीन के रास्ते पर चलते चलते जो तुम्हारी नज़र भटक गई है मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाना चाहता हूँ। तुम्हारी नज़र में क्या होना चाहिए, तुम्हारी नज़र में क्या रहना चाहिए, देखो बहुत ही नाजुक बात कह रहा हूँ, आदमी चलता है तो रास्ते पर नजर रखता है पर फिर दिल में मंदिर की ध्यान रखती है, रास्ते पर नजर है मैं ध्यान मंदिर का रहता है, वो शख्स बेवकूफ है जो रास्ते का होकर रह जाता है, और वो अकलमंद है जो रास्ते पर नजर रखता है लेकिन ध्यान से कभी भी अपनी मंजिल को नहीं हटाता। रसूलुल्लाह का कहना मतलब ये है तुम ये नमाज रोजा तो सब कर रहे हो पर ऐ रास्ते के परस्तारो, ऐ रास्ते की पूजा करने वालों, तुम रास्ते की ही पूजा करोगे, इल्लाह मैं तुमको अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, ध्यान रखो नमाज पढ़ते हुए ध्यान रखो तो किसका, अल्लाह का, रुकू करो तो अल्लाह के लिए, सजदा करो तो अल्लाह को देखो, जबान से अल्लाह अकबर कह रहे हो तो ध्यान रखा हुआ है, ये क्या बात हुई, ये तो अल्लाह के साथ बदा हुआ है, ये तो खुदा के साथ बदा है, तो मैं तुमको बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ। यहाँ तक भी बात साफ हो गई, यहाँ तक भी लोग नहीं समझे थे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और खोल कर बयान किया आला बसीरती, अब यहाँ पर अल्लाह ने मोहर लगा रखा थी, मैं तुमको बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ, ख्याली ख्याली नहीं दीदार के आसपास बुलाता हूँ, इन्हें ध्यान रखो तो क्या ध्यान रखो, तसव्वुर का ध्यान मत रखो, तस्दीक का ध्यान रखो, अल्लाह बसीर है, बसीर तो हमें विजन होना चाहिए, वो होना चाहिए तुमको, अगर विजन नहीं है तो क्या है, इमेजिनेशन नहीं, तसव्वुरात की हमारे पास नहीं, इसीलिए हम कहेंगे माऊद की क्या कहते हैं, एहराम नहीं बोलते, मेलिया माउद की तस्दीक कहते हैं, तस्दीक दिल से होती है, एहराम जबान से होता है, एहराम फर्क करता है, तस्दीक फर्क नहीं सकती, फर्क नहीं सकती, और तस्दीक होती कब है, तस्दीक होती कब है, मालूम है आपको, तस्दीक कैसे होती है, तस्दीक सुनने से तस्दीक नहीं होती, सुनने से तस्दीक नहीं होती, ये आँख बड़ी चीज है,
मैं तो अंग्रेजी का सुनकर तर्जमा कर रहा हूँ कि प्यार नहीं बोले तो बुरी नहीं है वो, यानी बहुत सख्त जरूरत रहता है तो अंग्रेज बोलता है आई एम इन बैड ही नीड होता है, यानी बहुत सख्त जरूरत है। तो ऐप जो है ये कान को किसी तरह सुन मान लेता है, मैं जब तक ये दिल ऐसा है जो कहता है नहीं, जब तक तू नहीं बोलती मैं नहीं मानता, जब तक तू नहीं बोलती मैं नहीं मानता। वो तू किसे बोलता है? वो आपको बोलता है। तो दिल से तस्दीक करने के लिए आंख का सबूत जरूरी, इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महफूज फरमाया, काहे के लिए महफूज फरमाया? तस्दीक के लिए, तस्दीक के लिए फरमाया। किस पैगंबर ने खुदा को देखा था? किस पैगंबर ने खुदा को देखा था? देखा किसे? तमन्ना सबको थी, हर पैगंबर ने कुछ दिन में रखकर तमन्ना की, किसी ने मुंह से जबान से भी तमन्ना कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम से तो रहा नहीं गया, रब्बी अरिनी अंजुल गए, मुझे दिखा दे, मैं दे रहा हूँ। ये मूसा अलैहिस्सलाम तो रहा नहीं गया। क्या बात हुई है? कलाम को सुना, अल्लाह के कलाम को सुना। जब कलाम को सुना तो फिर वो किसने कहा नहीं देख लो तस्दीक कामिल हो जाएगी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दवा से निकल गया, रब्बी अरिनी, जवाब आ गया लन तरानी, तू हार भी तुम्हें देख नहीं सकता, तू मुझे हार भी देख नहीं सकता, क्योंकि ये जो भाव है ये भाव हमने खादम के लिए रखा है। दीदार आखिरी चीज है, दीदार आखिरी चीज है। आप बोलते हैं किसी का इंतकाल हुआ क्या करे साहब, तो बाहर था आया तक बाप का इंतकाल हो गया, मुझे दीदार नहीं हुआ, हालांकि देख रहा है, हालांकि देख रहा है। कब? इंतकाल के बाद देख रहा है, कफन दफन में चली मुंह देख रहा है, पर क्या बोलता है? दीदार नहीं हुआ। क्यों दीदार नहीं हुआ? वो दीदार के माने क्या है? वो मुझे समझता है कि दीदार नहीं हुआ के माने क्या है। देखने वाला भी देखना चाहिए, जिसको देख रहा है वो भी इसे देखे। वरना बोलते हो तो मैं देख रहा हूँ पर वो मुझे नहीं देखा, तो मैं कहता हूँ दीदार नहीं हुआ। दीदार कब होता है? मैं उसे देखूँ वो भी बेशक ये है दीदार। सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पैगंबरों ने भी देखा होगा, मगर कैसा देखा होगा उससे तस्दीक नहीं की कि मैंने देखा। तो आप दूसरा करना ने कहा नहीं देख सकता, अगर बाहर पर हुआ तो तजली हुई देखा, याद नहीं करते देख लिया तजली होगा तो देखा। ऐसा देखा कि पहाड़ जल गया था, वही दीदार। आदमी मर गया था देखा, पहाड़ जल गया था देखा। हजरत रूमी मौलाना रूम ने बहुत अच्छे अल्फाज में फरमा दिया है, इस हकीकत को बयान फरमा दिया, मूसा से हो इशारत बैक तजल दिए सिफात,
मुजाद हो रफ्त बयक अजल ये सिवा तू है निजात भी ने गरीब दर्द तबस को दे मूसा को एक तजंगी सिफत की हुई थी इसकी सिर्फ तजंगी हुई थी बल्कि जात की भी नहीं बोल रहे जात की भी तजंगी नहीं हुई अभी तजंगी हुई तो एक तजंगी ये सिफा सिफा में से एक सिफत की जिसको रूबियत कहते हैं अल्लाह ताला के 99 सिफात थे उसमें से एक सिफत रुबूबियत की है तो इस वास्ते अल्लाह ने क्या फरमाया अल्लमा तजल्ला रब्बू शान रुबूबियत की तजल्ली हुई खल्ला मूसा तो मूसा अलैहि सलाम खल्ला मूसा सही था अब अल्लाह का लगाव उस आयत को पढ़ो अदरू इल्लाह है यहाँ भी सिफत का इजहार हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है किसकी तरफ पढ़ाता हूँ मैं अल्लाह की तरफ वो भी कैसे पढ़ाता हूँ अल्लाह सजीर इजहार के साथ सुना रहा वरना तो सब तो खुदा को देख रहे हैं आप हमेशा खुदा को देख रहे हैं आप ये मत समझो कि हम खुदा को नहीं देख रहे हैं खुदा का दीदार आपको भी हो रहा है पर कैसे वो बोला नहीं वो दीदार नहीं हो रहा है दीदार की शान तो यह है कि मैं तुझे देखूं और उसी ढंग से तू मुझे देख तुमको मुझे दीदार कोई लम्हे की तरह हर महीने को करना चाहिए वो उस लम्हे की तलाश हर मेहनती को करनी चाहिए ये हम नमाज़ें जो पढ़ते रहते हैं ये सब क्या है एक लम्हे की तलाश है हम सबको तो एक लम्हे की तलाश है ऐसा लम्हा कि मैं उसको देखूं और उसी जुगे वो भी मुझे देख रहे तो आपका जीना क्यों हो गया आपका आना क्यों हो गया साफ बात है मैं आपको देख रहा हूँ क्या आप मुझे यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं तो जिस तरह में आप मुझे देख रहे हैं मैं इधर जिस तरह बैठा देख रहा हूँ तो आप क्या बोलते हैं मेरी तरफ नहीं देखे मैं तो देखा आप बार बार कर लूँ मेरी तरफ नहीं देखे तो आप मायूस होते हैं ये समझते हैं कि लापरवाह है कि हमने बार बार देखा पर एक वक्त भी मुझे नहीं देखे और जब मैं तवज्जो के साथ देख लिया तो आप खुद बोला अल्लाह हम अल्लाह की तरफ तो कोशिश कर रहे हैं पर जिस लम्हे हम उसको देखते हो कोई लम्हा भी वो हमको देखते तो मैके माउद रहसा तो सामने फरमाया वो एक लम्हा ही है वो एक लम्हे के लिए आपने फरमाया करके दुनिया करो अल्लाह का जिक्र करो आप क्या अफसोस सालिकीन में रहो खुर्शीद की सूरत को देखते रहो देखते देखते जब वो लम्हा आ जाएगा तो कामयाब उन पर थोप दिया कि ये सब अल्लाह की तरफ बुला
के लोगों को आप इसे यहूदियों को नसरानियों को मुस्लिमों को उन सबको दावत को तो हिकमत से पढ़ाओ। गीता की तरफ पढ़ाते हैं तो हिकमत से पढ़ाते हैं, गीता की तरफ पढ़ाते हैं तो हिकमत से, गीता की तरफ पढ़ाते हैं तो हवाई हसना वास करके पढ़ा सकते हैं गीता की तरफ। और जहाँ ये हूँ मिलती है हसन और अल्लाह के किधर जो लड़ झगड़ कर बहस करते हुए मुजादला करते हुए इस्तेदाल करते हुए क्या बढ़ा सकते हैं? नहीं, वो तो अल्लाह के रास्ते की तरफ बढ़ा सकते हैं। अरे रास्ते पर आ गए तो उनसे बोल अबू इल्ला तो उनको मैं अल्लाह की तरफ बढ़ाता हूँ। तो एक है रास्ता और एक है मंजिल। हम सब जो है रास्ते के हैं। अल्लाह ताला ने मैंने मौत अलैहिस्सलाम को भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो काम करने के लिए जिसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देने की हुक्म दिया था, पहले रास्ते की तरफ फिर अल्लाह की तरफ। और इन हुसूल के साथ, इन शुरूत के साथ, इन सिफात के साथ, तो अब इमाम हुआ के आना के साथ, अब आना है तो मैं हूँ। अब मैं का अर्थ हो रहा है वो मनित तबाही, उस वो भी बुलाएगा जो मेरी इत्तेमा करेगा। तो अब जो भी बुलाने वाला इत्तेमा करेगा, मेरी इत्तेमा करेगा या सारी इत्तेमा करेगा, ये इत्तेमा करने वाला है कि दावत में बैठता है और मिठाई की एक कटोरी सामने आती है तो दूसरी भी बुलाता है। तो क्यों है? रसूलुल्लाह को मीठा बहुत पसंद था। तो किसकी तरह की इसने मीठे खाने में रसूलुल्लाह की इत्तेबा कर दी। और भला वो ये नहीं देखा कि मीठा खाना रसूल की सुन्नत है पर मांग कर खाना के रसूल की सुन्नत है? नहीं, मीठा खाना रसूल की सुन्नत है पर दो दो तीन दिन मांग कर खाना ना ये सुन्नत नहीं। मीठा खाना सुन्नत है इसलिए हम ज्यादा खाते हैं। तो रसूल की सुन्नत की इत्तेबा करने वाले ऐसे पैदा हो गए थे जो मीठा आया तो हफ हफ खाए और गर्म आया तो थू थू, मीठा आया तो खा लिया, फखर करने की बात आई नहीं, दान करने की बात आई, देने की बात आई अल्लाह के नाम पर, खुद भूखे रहकर दूसरे को खिलाने की बात आई तो वह रसूल की इत्तेबा नहीं। यहाँ जो तुम कह रहे मनी तमामी, मेरी जो इत्तेबा करने वाला है, मेरी जो इत्तेबा करने वाला है, तो आना जब साफ है तो इत्तेबा करने वाला भी कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। आना जिन औसाफ का मजहर है, उन्हीं औसाफ का मजहर उमंग भी हो जाएगा तो वो बुला सकता है अल्लाह की तरफ दावत देगा, बसीरत के आधार पर दावत दे सकता है। उन्हें इसके बाद बसारत भी नहीं है, क्या दे सकता है? तो फसीले क़राम ने उन तमाम बातों को छोड़ दिया और अब ये कह दिया जो मेरी इत्तेबा करेगा सब लोग बुलाएंगे। आप सभी को कुरान पढ़ाने पढ़िए, मौजूद निसार की साफ तौर पर लिखा हुआ है और वो भी यहाँ तक कहते हैं ये फसीलत तो काफिरों में भी पाई जाती है। ये फसीलत तो और वो लोग कभी घबराए नहीं। मैं ये कहने के लिए
अल्लाह अपनी फसल पैदा कर देना है। अब ऐसी फसल में अगर जान रही है, अब ये असर पड़ाने वाले हो गए अल्लाह की तरफ, और वो भी फसल के आसार पर जो हवा को देख नहीं सकते वो खुदा को क्या देखेंगे, जो हवा को नहीं देख सकते वो खुदा को क्या देखेंगे। बस अल्लाह की बसीरत का तो उनके पास तो खुदा का तसव्वुर, खुदा के इंतजार का तसव्वुर है। और अल्लाह तआला ने उन्हीं लोगों को समझाने के लिए मेराज में इस मैंने कहा किसी को नहीं बताया, खातम के लिए अल्लाह ने वो चीज रखी थी। क्यों? दीन के पे सब बुलाने वाले ही रास्ते की तरफ, सब बुलाने वाले ही एक मुद्दे की बात बोलो, पहली बार सवाल लाइन पर से लिखा हुआ है, सब बुलाने वाले थे पैगंबर लेते आए थे, किसकी तरफ बुला रहे थे? अल्लाह के रास्ते की तरफ। अगर उनको जीना नसीब हो जाता तो मंजिल मिल जाती, अभी रास्ता अधूरा है, अभी पैगंबर आने वाले थे। तो अल्लाह ने कहा मंजिल मंदिर हमारे सामने हो, और जब तक हम मंदिर
Yeah.